दोस्तों, ये कहानी है अनीशा की, जो करीब रात के 2 बजे गुड़गांव से दिल्ली वापस आ रही थी। वह एक कॉल सेंटर में जॉब करती थी और उसकी ड्यूटी रात में एक्सटेंड हो जाती है, इस कारण से वो लेट हो जाती है। वैसे कंपनी कैब की सर्विस देती थी, इसलिए किसी ऑटो या टैक्सी का झंझट उसे नहीं करना पड़ा। लेकिन परेशानी ये हुई कि रास्ते में ट्रैफिक पड़ गया और इस कारण से ड्राइवर साहब जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में शहर के बाहरी वाले रास्ते से जाने लगे। यह रास्ता थोड़ा लंबा जरूर था, मगर खाली भी था। कुछ देर चलने के बाद अनीशा देखती है कि आसपास कोई रोशनी नहीं है, केवल गाड़ी की हेडलाइट सड़क को चीर रही थी। धीरे धीरे उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। कुछ ही दूर पर एक सुनसान सा ढाबा दिखता है। ड्राइवर साहब ने गाड़ी रोक दी। वह बोले, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, रास्ता लंबा है। अनीशा को थोड़ी देर आराम करने में कोई बुराई नहीं लगी। वह गाड़ी से बाहर निकलती है। ढाबे के अंदर एक भी आदमी नहीं था, सिर्फ टूटी हुई कुर्सियां और मेज बिखरे पड़े थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, सड़न और पुरानेपन की। अनीशा को वहां एक पल भी रुकना अच्छा नहीं लगा। वह वापस गाड़ी में बैठ जाती है और ड्राइवर को जल्दी चलने के लिए रिक्वेस्ट करती है। ड्राइवर साहब ने गाड़ी स्टार्ट की और वो फिर चल पड़े। कुछ देर बाद अनीशा ने देखा कि सड़क के किनारे एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई महिला खड़ी थी। वह गाड़ी को रोकने का इशारा कर रही थी। ड्राइवर साहब गाड़ी रोकने लगे, तभी अनीशा ने उन्हें रोका। नहीं रुकना, रात के इस वक्त सड़क किनारे कोई अकेला क्यों खड़ा होगा? ड्राइवर कुछ कहने ही वाला था, तभी अचानक महिला सड़क के बीचों बीच आ गई। ड्राइवर साहब ने गाड़ी को तेजी से मोड़ दिया ताकि उन्हें टक्कर ना लगे। गाड़ी एक झटके से किनारे रुक जाती है। अनीशा घबराकर बाहर निकलती है। ड्राइवर साहब भी गाड़ी के बाहर आए, लेकिन सड़क पर कोई महिला नहीं थी। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ दूर जंगलों में जानवरों की आवाजें गूंज रही थी। अनीशा और ड्राइवर दोनों हैरान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह महिला आखिर कहां गायब हो गई। अचानक अनीशा को अपनी सीट पर सफेद सा फूल दिखाई दिया। यह वही फूल था जो उस सफेद साड़ी वाली महिला के हाथ में था। अनीशा की चीख निकल गई, वह डर के मारे कांपने लगी। ड्राइवर साहब भी घबरा गए। उन्होंने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और वापस गुड़गांव की तरफ लौट पड़े। द्वारका वाला रास्ता भूल कर भी नहीं लिया। अनीशा सुबह होने तक सो नहीं पाई। वह उस रात के खौफनाक अनुभव को भुला नहीं पा रही थी। यह देर रात का सफ़र हमेशा उसकी यादों में अंकित हो गया।